सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो रिएक्शन है वो सैदर सैम के गाने का है। और मैंने आपको बोला था कि कलमिंग का जो ट्रैक आया उससे पहले जो है सैदर सैम का ट्रैक आया था। और जैसे कि इस ट्रैक के टाइटल पे लिखा हुआ है 18 माइनस, सो चॉपर फ्लो है और इस गाने का नाम है एनकाउंटर। सो गाने को चेकआउट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ही देखकर, इसको ही सुनकर कलमिंग ने जो है वो पोकिंग वाले जो वर्स लेकर आए थे अपने गानों में, तो वो इसी की वजह से लेकर आए होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर डायरेक्ट बात ना करके इनडायरेक्टली कुछ हो रहा है। तो गाने को चेकआउट करते हैं कि सैदर सैम जो है क्या कुछ लेकर आया। और कलमिंग का ट्रैक जो हम सुन चुके हैं उस पर हम रिएक्शन दे चुके हैं। काफ़ी मज़ेदार जो है वर्स सुनने को मिले थे उस गाने के अंदर। और जैसे कि हम सैदर सैम को सुनेंगे, सैदर सैम जो है क्या कुछ लेकर आया और 18 माइनस है। सो वीडियो शुरू करते हैं। मेरी जुबान पे रखा ही नाम की लगे लगाम तो मिलेगा तभी ये राम ने मैंने तो कर दिए चार गुने। अभी देखा तो मेरे तो बाल चुके कभी लगा तो मेरे का हाथ मुझे बेटे देना पड़ेगा लगान तुम्हें। मैंने खास यू ने मेरे यार दोस्त जिंदगी रखे हैं चार दोस्त, मेरे पिन कोड में है 4-2 घर है मेरे से खार जो सिल के रखे जुबान को मुझे डिस करना तभी जब दोनों में तेरे भी बार सो। देखा है मैंने भी हार को चाहे तुम मार दो रुकूंगा तभी नहीं दिल का पापलो। सुधारो अपनी चाल को बदलो अपने हाल को मैंने थी बन के घर को पालो सपने माँ के भेजे में डालो फक नहीं दू तेरे एक सवाल को। जो बोले थे करूंगा कुछ नहीं उनकी फटी पड़ी है फिलहाल तो तेरा हाई जोन मेरे घंटे पे रैप सीन मेरे कंधे पे गंदी बहुत बेटा तो मेरे को लगा तू शुरू से ऐस में तेरी लगी चीटी बहुत कला तुम्हें लगे इजी बहुत बीसी कौन पिड़ेगा हो रही है बीटी बहुत साथ मेरी वो कला चौपर फलो मेरे नो में लखाई मेरे ठोकर जो भी है बंदे में लो कला जोकर तू रखे जोकर कुकर वाइटी में कभी करे शो पर है। भाई सैदर क्या कर रहा, फट जाएगी बंदों की। अच्छा ठीक है ना, क्रेजी ये बीट है ना, फ्लो मेरा काबू नहीं आता छोड़ा नहीं है सीखना। बंदे बहुत से जलते बहुत है रोक के चौक पे भोगते बहुत है मुकोटे पहन के मिलते रोज पीछे से छोड़ दे आगे से कोट मौके छोड़ते कभी नहीं शोके रोके होते सफल छोटे बहुत ही बोटे दिल में खोटे पहुंचे वहां पे अभी नहीं क्योंकि धोखे मिले रास्तों में अभी पूरा चार्ज हूं मैं धार दूं मैं अकेले तू लौंडे लेके चार घूमे अंधेरा ये सीन पूरा जलती हुई मशाल हूं मैं मार दूं मैं हिट मिनटों में तुझको पूरा साल दूं मैं बेकाबू में जैसे कोई बरसा तू मैं बारसी बरसा दूं मैं फ्लो सुनामी डूबा दूं मैं क्या तुझे दिखा दूं मैं करता नहीं कोई जादू मैं अंधे को लाठी तू जाली बंदो को लटका दूं मैं। मैं रैप करूं दिल्ली 44 ये कन्नी लेके ऊंचाई पे काटू इनकी डोर फिर मुझको ना कुछ सुनाई दे काटू इनकी कॉल तेरा होमी तेरी गवाही दे क्या बोलूं मैं छोड़ तू बोले मेरे बारे क्योंकि मेरे बारे जानता नहीं भिड़ू मैं किसी से खांगा नहीं भिड़ू तो करूं मैं खात्मा भी मैंने कभी नहीं किसी की बात मानी तभी करा नहीं कभी भी काम चली कापरा तू तेरी आत्मा भी शर्मानी तुझे मरवानी तूने घर खाली किधर आमदनी वो सभी टू रिप्रेजेंटिंग दिल्ली 44 सैदर सैम ऑन द माइक। मेरी जुबा पे जब लगाम लगेगी तभी जो है उनको आराम मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमें ओल्ड बीट्स जो सुनने को मिली उसके बाद जब बीट्स जो चेंज हुई वो चीज काफी अच्छी लगी इस गाने के अंदर। और जिस तरह से जो छोटे छोटे स्विचेस किए जा रहे थे सैदर सैम यहाँ पर वो चीज काफी अच्छी लग रही थी। एक बोल सकते हैं इस गाने को एक यूनिक बना रही थी कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट तरह की वाइब आ रही थी यहाँ पर जो छोटे छोटे स्विचेस किए जा रहे थे। सो साथ ही साथ यहाँ पर सैदर सैम ने ये बात भी बोली कि मुझे जब भी डिस करना जब तुम्हारे गानों में बार्स हो। तो एक तरह से यहाँ पर लिरिक्स जो थे वो काफी कमाल के थे और काफी ज्यादा गाना जो स्टार्ट हुआ एक जब वो भागते हैं यानी कि रन करते हैं और रन करते करते जो वर्स बोलते हैं ना वहां पर ऐसा लगा कि ये सच में ही जो फ्लो है वो फ्लो जो है वो चॉपर फ्लो है। और जैसे कि यहाँ पर सैम ने ये बात बोली थी कि भाई मेरा जो फ्लो है वो चॉपर फ्लो है मेरी जो राइटिंग है वो फाइटिंग है और जैसे कि मैं तो ये दे रहा हूँ गंदी मौत। और जिस तरह से यहाँ पर इस तरह के वर्स लेकर आए सैम और एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ सैम जो है फायर स्पिट कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर जो राइम्स हमने सुनी है जो ओल्ड स्कूल की जो वाइब हमने यहाँ पर सुनी है और ओल्ड बीट्स हमने जो यहाँ पर सुनी है वो चीज तो काफी अच्छी लगी ही। और साथ ही साथ यहाँ पर
और सैदर सैम की जो राइटिंग थी भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की लगी। और साथ ही साथ यहाँ पर सैम ने ये बात भी बोली कि मिनटों में मैं तुझे मार दूँ पर मैं फिर भी तुझे जो है एक साल देता हूँ। और जैसे कि यहाँ पर एक वार्निंग से दी वॉर्न सा किया यहाँ पर, तो वो चीज एक शॉकिंग भी थी। और जिस तरह से यहाँ पर सैम ने ये बात भी बोली कि तेरे होमीज ही है जो गवाही देते हैं, तो छोड़ मैं क्या ही बोलूं। सो बात करें इस पूरे गाने की, इस पूरे गाने में जो सैम से हमें स्विचेस सुनने को मिली है ना इस गाने के अंदर, वो काफी अच्छे लगे और बहुत ही ज्यादा कमाल के लगे इस गाने के राइटिंग लिरिक्स, और बहुत ही कमाल के लगे इस गाने के बीट्स और म्यूजिक। तो मुझे तो ये गाना जो है पर्सनली काफी अच्छा लगा। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये जो सेकंड ट्रैक उनका सुना है, सो बहुत ही कमाल का जो एक वाइब होती है, अंदाज होता है, जो कि सैदर सैम जब भी गाना इस तरह का लेकर आते हैं काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। सो ये था मेरा रिएक्शन और मुझे ये गाना जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा। और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।